देवास में श्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेवा समिति पर्यावरण संरक्षण एवं कोरोना के पूर्णतः खात्मे के लिए शहर भर में धार्मिक स्थलों पर पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान को जारी रखते हुए शनिवार को समिति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर मोक्षदायिनी माँ शिप्रा जी के पावन तट पर स्थित श्री राम मंदिर हाट बाजार शिप्रा मंदिर पधारे श्रद्धालुओं को औषधीय पौधे भेंट किए। समिति के अर्जुन सिंह सोलंकी और उपाध्यक्ष रुक्मणी परमार ने बताया कि श्री राम मंदिर शिप्रा परिसर में लगभग 251 तुलसी और 101 बेलपत्र के पौधों का वितरण किया गया। समिति सचिव घनश्याम मोदी ने कहा कि रविवार को श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर और श्री राधाकृष्ण मंदिर मक्सी मंदिर परिसर में औषधीय पौधों का रोपण कर मंदिर में श्रद्धालुओं को औषधीय पौधे भेंट स्वरूप दिए जाएंगे। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन बी के प्रेमलता, बी के मनीषा, बी के सफला, सेमल, पिंटू सोनी, विवेक धवले और कथावाचिका सुश्री सारिका किशोरी और भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह मालवीय, साथ ही किशोर पुष्पद, अनुराधा सोनी, पवन सोनी सहित श्रद्धालुओं के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त जानकारी समिति सचिव घनश्याम मोदी ने दी। श्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेवा समिति द्वारा सेवा समिति द्वारा आज माँ शिप्रा के तट पर 101 तुलसी जी के पौधे एवं बेलपत्र के पौधे वितरित किए। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।